हेलो वेलकम, लेट्स डिस्कस क्लास 11 एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर सेट क्वेश्चन नंबर 9। सो यहाँ पर इसी सेट दिए हुए हैं ए बी सी डी और ये निकालना है a माइनस b a माइनस c इस तरह से। ओके, तो पहले जानते हैं कि इसे निकालते कैसे हैं। तो एक छोटा सा एलिमेंट लेके आपको बताती हूँ कि मान लीजिए कि ए एक सेट है, इसमें तीन एलिमेंट है, बी दूसरा सेट है, इसमें दो एलिमेंट है, ठीक है। तो ए माइनस बी अगर निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे। देखिए ए में क्या क्या एलिमेंट था, 1 2 3, ओके, तो 1 2 3, और बी में था 3 4। तो ए माइनस बी का मतलब होता है ए के जो एलिमेंट है उसमें से बी के एलिमेंट को माइनस कर देना, मीन्स जो जो कॉमन है उसे हटा देना। तो देखिए ए के एलिमेंट में 1 है, बी के एलिमेंट में 1 नहीं है तो 1 लिखिए यहाँ। ए के एलिमेंट में 2 है, बी के एलिमेंट में 2 नहीं है तो 2 लिखिए। ए के एलिमेंट में 3 है, बी के भी एलिमेंट में 3 है तो ये दोनों हट जाएगा, और तो कुछ नहीं है ए के एलिमेंट में, तो ये बन गया सेट। अगर बी माइनस ए निकालना हो, बी माइनस ए, बी के एलिमेंट, बी के सेट में एलिमेंट क्या था, 3 4, तो 3 में से 3 को हटा देंगे तो क्या बचेगा बी के पास, सिर्फ 4। तो ये हो गया इसका 4। होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। क्वेश्चन देखते हैं, तो ए माइनस बी, ओके, तो ए में देखिए क्या क्या एलिमेंट है और बी में देखिए क्या क्या एलिमेंट है। यहाँ 3 है, यहाँ कहीं भी 3 नहीं है, तो हम एक सेट बनाएंगे उसमें लिखेंगे 3 कॉमा। यहाँ 6 है, यहाँ कहीं भी 6 नहीं है तो 6। यहाँ 9 है, यहाँ कहीं भी 9 नहीं है तो 9। यहाँ 12 है, यहाँ भी 12 है तो 12 हट जाएगा। यहाँ 15 है, यहाँ 15 नहीं है तो 15। यहाँ 18 है, यहाँ 18 नहीं है तो 18। यहाँ 21 है, यहाँ 21 नहीं है तो 21। ये हो गया इसका आंसर। होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्या है, ए माइनस सी, ए में से सी को माइनस कर देंगे। तो ए के पास 3 है, बी के पास 3, ए के पास 3 है, सी के पास 3 नहीं है तो 3 लिख सकते हैं यहाँ। फिर 6 है, 6 से 6 माइनस हो जाएगा। फिर 9 है, 9 तो यहाँ नहीं है तो 9 लिखिए। 12 है, सी में भी 12 है तो 12 से 12 माइनस हो जाएगा। यहाँ 15 है, यहाँ 15 नहीं है तो 15 लिखिए। 18 है, यहाँ 18 नहीं है तो 18, और 21 भी नहीं है तो 21। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्या है, ए माइनस डी, ए में से डी को माइनस करेंगे। तो देखिए ए में आपका एलिमेंट है 3, डी में 3 नहीं है तो 3 लिखिए। ए में एलिमेंट है 6, यहाँ नहीं है तो 6 लिखा। यहाँ 9 है तो यहाँ 9 नहीं है तो 9 लिखा। यहाँ 12 है, यहाँ 12 नहीं है तो 12 लिखा। यहाँ 15 है, यहाँ भी 15 है तो 15 15 माइनस हो जाएगा, ओके। 18 है, यहाँ 18 नहीं है तो 18 लिखेंगे। 21 है, यहाँ 21 नहीं है तो 21 यहाँ लिख देंगे, 18 और 21। हो गया, ये हो गया आंसर। इसी तरह b माइनस ए निकाल लीजिए। b के पास देखिए 4 है, 8 है, 12 है। यहाँ क्या है, यहाँ 4 नहीं है तो 4 लिखेंगे। यहाँ 8 नहीं है तो 8 लिखेंगे। यहाँ 12 था, यहाँ भी 12 था, 12 माइनस हो जाएगा। यहाँ 16 है, यहाँ 16 नहीं है तो यहाँ 16 हो जाएगा। यहाँ 20 है, यहाँ 20 नहीं है तो यहाँ 20 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। इसी तरह सी में देखेंगे, सी में से ए को माइनस करेंगे। तो सी में देखिए एलिमेंट 2 है, ए में 2 नहीं है तो 2 लिखा जाएगा। 4 है, ए में 4 नहीं था तो 4 लिख दीजिए। 6 है, ए में 6 है, सी 6 से 6 माइनस हो जाएगा, हट जाएगा। उसी तरह 8 है, ए में 8 नहीं है तो 8 लिखेंगे। फिर 10 है, ए में नहीं है, 10 लिखेंगे। यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ 14 है, यहाँ 14 नहीं है, यहाँ 16 है, यहाँ 16 नहीं है। तो ये हो गया 14 और 16, ये बन गया एक सेट, ओके। अगेन जो है डी माइनस ए, अब डी में से ए को माइनस करेंगे। तो देखिए डी में क्या क्या एलिमेंट है, 5 है, यहाँ 5 कहीं भी था, नहीं है। 10 है, यहाँ कहीं भी 10 है, नहीं है। यहाँ 15 है, यहाँ 15 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 20 है, यहाँ 20 नहीं है तो 20 लिख देंगे, ओके। तो क्या बन गया हमारे पास, 5 10 15 15 तो कैंसिल था, बच गया 20। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्या है, बी माइनस सी। देखिए बी माइनस सी, बी में जो एलिमेंट है उसमें से सी को माइनस करेंगे। तो बी के पास 4 है, यहाँ भी 4 है तो 4 से 4 हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 16 है, यहाँ 16 है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 20 है, यहाँ कहीं भी 20 नहीं है तो आ गया हमारा 20 आंसर, ओके। नेक्स्ट बी में से डी को माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ बी में क्या था,
फोर था, यहाँ कहीं भी फोर है नहीं है, एट था कहीं भी एट है नहीं है, ट्वेल्व था कहीं भी ट्वेल्व नहीं है, सिक्सटीन था कहीं भी सिक्सटीन नहीं है, ये ट्वेंटी से माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, फोर एट ट्वेल्व और सिक्सटीन, ठीक है। नेक्स्ट सी माइनस बी, तो सी देखिए ये पूरा सी रहा, सी में से बी को माइनस करेंगे, तो यहाँ टू था, बी में टू कहीं नहीं है तो टू लिखा जाएगा, यहाँ भी फोर है यहाँ भी फोर है कैंसिल, यहाँ सिक्स है यहाँ सिक्स नहीं है तो यहाँ सिक्स लिखेंगे, एट है यहाँ भी एट है तो एट एट कैंसिल, टेन है यहाँ यहाँ टेन नहीं है तो टेन लिखेंगे, यहाँ ट्वेल्व है यहाँ से ट्वेल्व कैंसिल, यहाँ फोर्टीन है यहाँ फोर्टीन नहीं है तो फोर्टीन लिखेंगे, और यहाँ सिक्सटीन यहाँ भी सिक्सटीन तो सिक्सटीन सिक्सटीन कैंसिल, तो ये बन गया हमारा सी माइनस बी। इसी तरह जो है डी माइनस बी, तो डी में से बी को माइनस करेंगे, तो डी देखिए फिर फाइव है यहाँ फाइव नहीं है, टेन है यहाँ टेन नहीं है, यहाँ फिफ्टीन है यहाँ फिफ्टीन नहीं है, तो लिख देते हैं फाइव टेन और फिफ्टीन, यहाँ ट्वेंटी यहाँ भी ट्वेंटी है तो ट्वेंटी ट्वेंटी कैंसिल, ओके ये बन गया आंसर। इसी तरह सी माइनस डी निकालेंगे, तो सी में से डी को माइनस करेंगे, सी ये पूरा रहा इसमें से डी को माइनस करेंगे, यहाँ टू है यहाँ टू नहीं है तो यहाँ टू लिख देंगे, यहाँ फोर है यहाँ फोर नहीं है फोर लिखेंगे, सिक्स है सिक्स नहीं है सिक्स लिखेंगे, एट है एट नहीं है एट लिखा, टेन यहाँ भी है टेन यहाँ भी है तो माइनस हो जाएगा, ट्वेल्व यहाँ है यहाँ नहीं है ट्वेल्व, तो ट्वेल्व लिखा, अगेन फोर्टीन लिखा और सिक्सटीन लिखा, तो ये बन गया आंसर। अब डी में से सी को माइनस करना है, डी ये रहा और सी ये रहा, तो देखिए यहाँ फाइव है, यहाँ कहीं भी फाइव था नहीं था तो यहाँ लिखिए फाइव, यहाँ टेन है यहाँ भी टेन है तो टेन टेन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ फिफ्टीन है यहाँ कहीं भी फिफ्टीन नहीं है तो लिखाएगा फिफ्टीन, यहाँ ट्वेंटी यहाँ कहीं भी ट्वेंटी नहीं है तो हो गया ट्वेंटी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर नाइन खत्म, कोई डाउट होता है तो कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें, थैंक यू।